हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। कैसे आप सब? मैं अमित एरन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पब्लिक डिमांड का ख्याल रखते हुए हमने 18 इंची में 5 इंची वॉइस कॉइल वाला स्पीकर मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन पब्लिक की और भी डिमांड थी कि उनको और तगड़ा और ताकतवर स्पीकर चाहिए था। इसके लिए हमने इस टाइम पे 18 इंच में 6 इंची वॉइस कॉइल वाला स्पीकर लॉन्च किया है, जिसका मॉडल नंबर है PT186। तो आइए इस PT186 स्पीकर के बारे में हम जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पीकर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये 18 इंच सबवूफर स्पीकर है। ये स्पीकर आप सिंगल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं, ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं। ये स्पीकर का AES पावर 2500 वाट है। वॉइस कॉइल 6 इंची है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 35 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक है। इसका वजन 23 किलो है। तो आइए इस स्पीकर को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए हम PT186 का अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे अभी मैं ये बक्सा जो है ओपन कर रहा हूँ, स्पीकर को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी बॉक्स ओपन कर रहा हूं। बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कार्टन पैकिंग है कुछ इस तरह से। अभी ये मैं कार्टन भी ओपन करता हूँ, निकाल देता हूँ। इसमें डबल कार्टन पैकिंग आती है, आप देख सकते हैं। पहले फर्स्ट वन ये वाली जो आती है, उसके बाद ये जो सेकेंड कार्टन पैकिंग आती है, ये दोनों भी निकाल रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं ये पॉलीफोम है। पॉलीफोम में आपका जो स्पीकर जो है वो अच्छी तरीके से फिटिंग करके आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये पॉलीफोम में अभी निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पॉलीफोम भी स्पीकर के साइज के हिसाब से कटिंग करके दिया, क्योंकि इसमें स्पीकर अच्छी तरीके से बैठ जाए, सेट हो जाए बस। और ये आप देख सकते हैं स्पीकर को कैसे पॉलीथीन के, मतलब कि इसमें थैली में पैक किया गया है, प्लास्टिक थैली में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए बारिश जैसा वगैरह, तो सेफ्टी के लिए ये पैकिंग किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ भी एक पॉलीफोम है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी पॉलीफोम है, जो मैग्नेट की साइज है उसके साइज का ये कटिंग किया हुआ पॉलीफोम है इसमें रखा है। मतलब कि आपका स्पीकर जो है वो अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इस बक्से में सेफ हो जाए और सेफ्टी से आ जाए आपके पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अभी स्पीकर को अनबॉक्सिंग कर दिया है। ये स्पीकर का बैक साइड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप स्पीकर में देखने जाएंगे बैक साइड में, तो यहाँ पे पूरा ये स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, स्पीकर कितने इंच का है, कितने वाट का है और क्या, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो रेड और व्हाइट कलर में है, जो मैं आपको पढ़ के बता दूँ, सबसे पहले इसमें लिखा है PT186 जो है मॉडल नंबर है। नीचे लिखा हुआ है प्रिसीशन ट्रांजिस्टर करके। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पावर, पावर जो है स्पीकर का पावर कितना है वो लिख दिया, 2500 वॉट जो है पावर लिखा हुआ है। वॉइस कॉइल 6 इंची है वो लिखा हुआ है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो लिखा है वो जो मैंने आपको बताया था 35 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक है। और नीचे सेंसिटिविटी लिखा है जो है 98 dB है, और इम्पीडेंस जो है वो 8 ओम से। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पीछे अच्छे से देखने के बाद पता चलता है। या पीछे की तरफ देखेंगे, ये स्पीकर का बैक प्लेट है। बैक प्लेट से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मैग्नेट दिख रहा है। ये मैग्नेट का जो साइज़ है वो 330 mm है, आप देख सकते हैं। ये जो साइज़ है वो 330 mm है, और मैग्नेट का हाइट जो है वो 25 mm है। ये जो हाइट हम बता रहे हैं, ये मैग्नेट का, ये जो मैग्नेट है इसका जो हाइट है वो 25 mm है, और मैग्नेट का ग्रेड जो है वो Y35 ग्रेड मैग्नेट है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर का बास्केट है। बास्केट भी बहुत मजबूत तरीके का है, आप देख सकते हो। स्पीकर भी बहुत हेवी, आप उठा के भी देख सकते हैं। जब भी आप लेंगे या लेने को आएंगे तो आप देख सकते एक बार। बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मजबूत भी है। तो बास्केट के बाद हम लोग आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्मिनल्स है जो आपको स्पीकर की वायरिंग करते समय यूज़ होंगे। इसमें कलर कोडिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर है।
नीचे आप देख सकते हैं जो टर्मिनल्स है वो पुश बटन्स की तरह वर्क होते हैं। आप एक बार इसे इसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है। तो ये वायरिंग करते समय आपको सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वायर भी ऐसे लगा सकते हैं। और उसी के बाद में ये जो है इसका मेन लीड वायर है जो स्पीकर को अंदर तक कनेक्टेड है। ये जो ब्लैक कलर में यूज़ है और अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वायर को भी हाथ लगा के दिखा देता हूँ। ये जो वायर्स है ये अंदर की तरफ गया हुआ है, ये मेन लीड वायर है। तो आप ये देख सकते हैं PT186 स्पीकर का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये आपके स्पीकर, ये जो स्पीकर है ये आपके सिंगल बेस या ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए, इसी तरह से वो डिजाइन किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसका कॉर्न पेपर क्वालिटी है, कॉर्न पेपर की क्वालिटी जो है बहुत ही थिकनेस ज़्यादा है इसमें और बहुत अच्छी तरीके से इसका सस्पेंस भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ये देखो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ फिर से, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कॉर्न पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी ये स्पीकर यूज़ करेंगे, तो जब भी आप कोई कैबिनेट में भी यूज़ करते हो तो क्रॉसओवर को सेट करते टाइम आपको ये 35 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक ही सेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं स्पीकर का जो बीच में का जो पार्ट है उसका एक्चुअली ये व्यू है। इसमें जो ये येलोइश कलर में दिख रहा है आपको, येलोइश ब्राउन थोड़ा कलर दिख रहा है आपको, ये जो स्पाइडर है इस स्पीकर में डबल स्पाइडर यूज हुआ है और उस स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये जो रिंग यूज हुआ है, मतलब कि आपका जो स्पाइडर का है वो लाइफ टाइम अच्छी तरीके से बरकरार रहे या लॉन्ग टाइम तक चले, इसकी वजह से ये स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये जो ये रिंग है वो रिंग यूज किया गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।